75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मानपा कार्यालय से लेकर तो टाउन हॉल तक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मनपा आयुक्त ने बुलेट चलाकर की। आयोजित कार्यक्रम में एनएमसी के सभी कर्मचारी, एनडीएस डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया में छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। जी हां, आजादी के इसी उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा इस अभियान का शानदार आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मनपा कार्यालय से लेकर तो टाउन हॉल तक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मनपा आयुक्त ने बुलेट चलाकर की। इस दौरान उन्होंने आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के निमित्त आज नागपुर महानगर पालिका ने एक बाइक रैली, उसका सेलिब्रेशन के मुताबिक एक अरेंज किया है। उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रतिसाद अपना नागपुर कर से मिल रहा है। अभी थोड़ी देर में इधर से शुरू होके शहर का मुख्य रास्ता के ओर से अपना टाउन हॉल तक हम लेके जाने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो 75वां साल का जो स्वतंत्रता का दिन है, उसको हम बहुत बड़े पैमाने में साझरा करने वाले हैं। उसका बहुत सारे कार्यक्रम शहर में अगले आने वाले 4-5 दिन में तीन चार दिन में करने वाले हैं। तो उस पर एक बात करके एक बाइक रैली है, इसके अलावा साइकिल रैली भी करने वाले हैं। और टिक टिकानी हर अपना चौक है, स्मारक है अपना स्वतंत्र सैनिकों का सत्कार है, ऐसे प्रकार के बहुत प्रमाण में छोटे बच्चे का कार्यक्रम है, ज्येष्ठ नागरिक के लिए कुछ कार्यक्रम है, सुरेश भट्ट सभागृह में और रोशनाई बिल्डिंग का, ऐसे बहुत सारे लिए महापालिका ने। इस पर नागरिकों का प्रतिसाद अतिशय बहुत ही अच्छा है। मैं सब नागरिकों को आह्वान करता हूँ आने वाला 13 से 15 अगस्त तक का अपना हर घर तिरंगा का कार्यक्रम के अंदर हर आदमी हर घर पे अपना तिरंगा फड़काना चाहिए। महापालिका ने बहुत सारे तिरंगा अपना घरों तक पहुँचने का व्यवस्था करके रखा है। हम सब इस एक देश का एक सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में हम सब शामिल रहेंगे और देश का और प्रभावशाली लेके जाने के सब मिलके काम करेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि संपूर्ण देश के साथ ही साथ नागपुर में भी आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और इसी श्रेणी में एनएमसी के सभी कर्मचारियों की ओर से भी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर बनाया गया। आपको बता दें कि आयोजित इस बाइक रैली में एनएमसी के सभी कर्मचारी, एनडीएस डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।